सो गाइस, कुछ दिनों से एक चैनल जिसका नाम एल्गोर है, जो कि आप ठीक मेरी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये चैनल ना दोस्तों, इसकी एक खास बात है। तो कुछ दिनों से मेरे भाई, काफ़ी सारे भाई मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई एल्गोर भाई कैसे वीडियो एडिटिंग करती हैं और उन्होंने इतने जल्दी इतने सब्सक्राइबर कैसे गेन कर लिए। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जब एल्गोर भाई ने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उन्होंने मात्र 24 से 25 दिन में अपने 14,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए थे। और कई सारे भाई अभी कुछ दिनों से मुझसे यही पूछ रहे हैं कि एल्गोर भाई ने इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिली, एल्गोर भाई को इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिली। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं और बताऊंगा आपको किस तरीके से एडिटिंग करते हैं एल्गोर भाई, और एडिटिंग के दम पर, ज़्यादातर उनकी एडिटिंग के दम पर ही उनकी वीडियो इतनी जल्दी वायरल हुई है दोस्तों, और उनका कंटेंट भी एकदम अलग ही था दोस्तों, अलग लेवल का था, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का कंटेंट था उनका और नेक्स्ट लेवल की उनकी एडिटिंग थी। तो दोस्तों, कंटेंट तो आपको खुद इंप्रूव करना होगा अपना, लेकिन मैं आपको उसमें एडिटिंग आपकी अच्छी करवा सकता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। और वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आपको किस तरीके से आप एल्गोर भाई जैसी वीडियो एडिटिंग कर सकती हैं दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, कितनी सारी वायरल वीडियोस हैं, सारी की सारी, मात्र इनने 6 वीडियोस के अंदर अपने 14,000 से 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ली थी ओनली 24 से 25 दिन में दोस्तों। तो आपको भी बताऊंगा किस तरीके से आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की जो वीडियो है, आप भी जो अपनी वीडियो की एडिटिंग नेक्स्ट लेवल कर सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। सो गाइस, एल्गोर भाई कौन सा एडिटिंग ऐप यूज़ करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके की एडिटिंग वो करते हैं, उस तरह की एडिटिंग एकदम आपको मैं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में करके दिखा सकता हूँ दोस्तों, और आप भी अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन से ही उस तरीके की एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में आ जाए। आने के बाद दोस्तों, आपको एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना। तो देख सकते हैं मैंने अपना प्रोजेक्ट 16:9 रेशियो में सेलेक्ट कर लिया। और लेने के बाद दोस्तों, मैं मीडिया में जाऊँगा। मीडिया में जाने के बाद मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है, आप भी एक बैकग्राउंड ले लीजिए दोस्तों। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं आपको किस तरीके की एडिटिंग आप बिल्कुल एल्गोर भाई करती है, मैं आपको बताऊंगा, तो आप खुद अपने हिसाब से उस तरीके का आइडिया लगा लेना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड लिया, ओके, तो बैकग्राउंड मैंने ले लिया, इसको थोड़ा मैं बढ़ाऊँगा बैकग्राउंड को। बढ़ाने के बाद दोस्तों, आप क्या करना है, मुझे एक मिनट, ये ज़्यादा हो गया, इतना ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब बैकग्राउंड में ले लिया, आप क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड पर क्लिक से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, मेरे सामने ऑप्शन आएंगे कई सारे, इसमें से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जी जो कैंची की बगल वाला जो ऑप्शन है, इसमें मुझे कम्प्लीट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, मुझे क्या करना है, इसको जूम करते जाना है, सॉरी मुझे इसको जूम करते हुए जाना है। ठीक है दोस्तों, मुझे जूम करना है, इसको करते जाना है, करते जाना, करते जाना है। ठीक है गाइस, कर लिया मैंने इसको जूम, ओके, तो इस तरीके से मैंने जूम कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसकी नेक्स्ट नीचे वाली में आ जाना है, स्टार्ट पोजीशन हो गई हमारी, अब एंड पोजीशन वाली में आ जाना है हमें, और एंड पोजीशन में भी मुझे जूम करना है इसको, और जूम करना है, जूम करना है, जूम करना है, जूम करना है, इस तरीके से जूम कर लिया हमने। करने के बाद दोस्तों, अब हमको इसको राइट कर देना है, ओके गाइस। अब इस तरीके से देख सकते हैं ये चलेगा। अब क्या करना है आपको, देखिए अब इस पर सिंपली फिर से क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद गाइस नीचे आना है और कलर एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी ब्राइटनेस आपको कम कर देना है, क्योंकि गाइस ब्राइटनेस कम करोगे तो ये थोड़ा डार्क सा दिखेगा, और डार्क सा दिखेगा तभी ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, इसको आपने कम कर दिया, इसकी डार्क ब्राइटनेस कम करने के बाद आपको करना है, आपको अब फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे जाना है, एक विनिटेज का ऑप्शन दिखेगा आपको, इसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, अब इसको भी राइट कर देना है। अब देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लगने लगा है। अब आपको क्या करना है, अब मैं सिंपली लेयर पर क्लिक करूँगा, लेयर पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट लिखूँगा। तो टेक्स्ट कैसे लिखूँगा दोस्तों, सो मैं लिखूँगा सिंपली से ग्रो, वैसे आप इसको कैपिटल में भी लिखो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ग्रो ऑन, ये मैंने लिख दिया दोस्तों। आप सिंपली मुझे इसको जूम कर लेना है, ओके, जूम कर लिया मैंने। अब जूम करने के बाद दोस्तों, मुझे राइट क्लिक कर देना है। अब मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, तो मैं को करना है इसकी एक कॉपी ले लेना है, डुप्लीकेट कॉपी, तो मैंने एक कॉपी कर ली इसकी, ओके, तो देख सकते हैं मैंने इसकी एक कॉपी कर ली। अब फिर से क्या करना है मुझे, सॉरी गलत हो गया, हाँ अब मुझे ग्रो करना, ठीक है ग्रो ऑन लिख लिया मैंने। अब मुझे फिर से लेयर पर जाना है, और फिर से टेक्स्ट में जाना है, और मुझे लिख देना है यूट्यूब, वो भी अगर आप, ठीक है गाइस मैंने यूट्यूब लिख लिया, अगर आप इसको कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल लेटर, ओके गाइस। अब देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है आपका। अब देखो,
अब इसको क्या करना है, हमको इसको अलग कलर करना है। आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं गाइस, जैसी आपको चाहिए। फिलहाल अगर आपको फॉन्ट में कुछ चेंजेस करनी है तो आप फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पर लैटिन वाले ऑप्शन में जाके इधर भी फॉन्ट में इधर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना तो मैं एंड्रॉयड से ही काम चला लेता हूँ। दोस्तों मैं सिंपल सा एक फॉन्ट ले लेता हूँ, सुग्रो फॉन्ट, और यूट्यूब तो देख सकते हैं मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है, एक देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसका एक कलर अलग कर दूँगा। देख सकते हैं मैं इसका कलर येलो कर दूँगा। अब देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है येलो कलर में, है ना गाइस। सो अब क्या करना है हमें, अब फिर से मुझे लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके सामने हैंड राइटिंग का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद गाइस आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, इसको इस वाले पे सेट कर देना है, स्क्वायर वाले पे, ठीक है। और यहाँ पर जाके सेकंड वाले पे इसका वाइट कलर चूज़ कर देना है। ओके, अब कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, देख सकते हैं अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने का सामने ऑप्शन आएगा आपका इसको, अब इसमें आपको एक नीचे स्लाइड करते जाना। करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा गाइस, जो कि ऑप्शन आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, एक मिनट। हाँ, ये देख सकते हैं आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ड्रॉ बाय स्ट्रोक का, देख सकते हैं। अब इसकी आपको स्पीड थोड़ी कम कर देनी है। ओके गाइस, इस तरीके से अब इसको राइट कर देना है, ठीक है। अब इस पर फिर से क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, ग्रो ऑन यूट्यूब वाला जो आपका ग्रो ऑन है उस पर भी क्लिक करना है आपको, और फिर से इस पर जाना है इन एनिमेशन पे। इन एनिमेशन पे जाके नीचे स्लाइड करते हुए जा रहा है और लेटर बाय लेटर पे क्लिक कर देना है गाइस, ठीक है। और इसकी थोड़ी स्पीड कम कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यूट्यूब वाला जो हिस्सा है आपका उस पर क्या करना है गाइस, नीचे सेलेक्ट करना है, यूट्यूब वाले पर क्लिक करना है, नीचे यूट्यूब वाली लेयर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन में जाना है और यूट्यूब वाली लेयर को क्या करना है गाइस, आपको इधर एक ड्रॉप वाला ऑप्शन आएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ड्रॉप वाला एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इसको राइट करते हैं, अब देखना ये कितना अच्छा लगेगा आपके सामने। इसकी लेयर को बढ़ा देना है, इसकी भी लेयर को बढ़ा देना है, इसकी भी लेयर को बढ़ा देना है, ठीक है। तो सब कुछ बढ़ा दिया हमने, अब देखना स्टार्ट करता हूँ मैं इसको, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस देख सकते हैं ये चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, है ना। अब अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकती हैं, सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है स्पीड बढ़ाने में। तो गाइस इसी तरीके से आप भी अपनी एडिटिंग कर सकती हैं एल्गोरो भाई के जैसे, ठीक है गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।